मैंने, आपने रमज़ान की अभी तक क्या तैयारी की? एग्ज़ाम स्टार्ट हैं बच्चों के, तो अगर एक बच्चा एग्ज़ाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर ना करे, कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएगा? नहीं कर सकता। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू गाइडेंस ऑन रमज़ान। दिस इज़ हमाद अनवर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। मैंने, आपने रमज़ान की अभी तक क्या तैयारी की? राशन जमा कर लिया, खाने का सामान जमा कर लिया, ईद की शॉपिंग कर ली। रमज़ान की तैयारी के लिए माइंड को प्रिपेयर करना। रमज़ान बहुत अहम महीना है, बहुत बरकत वाला, अजमत वाला महीना है। अल्लाह ताला की रहमतें छमाछम बरस रही हैं और इस महीने में अपनी इबादत, अपने मुआमलात, इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। तो रमज़ान का जो मेन मकसद है टू अटेन द तक्वा, कि तक्वा हासिल हो। तो तक्वा कैसे हासिल किया जाता है, वो चीज़ें नोट डाउन करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी निकियाँ हैं जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो उनको मज़ीद इम्प्रूव कर लें। रमज़ान तो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पे कितना मेहरबान है। रोज़ाना 10-10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जिसने रमज़ान अपनी ज़िंदगी में पाया, खुलासा ये कि जिसने रमज़ान ज़िंदगी में पाया, अपनी बख्शिश ना करवा सका, तो बदबخت है वो शख्स। तो इसमें वईदात भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है और नेकियों में इजाफ़ा भी है। इसको रमज़ान को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, ये ख़ुद प्रिपेयर ख़ुद को करना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई काम हो तो उससे पहले अगर माइंड प्रिपेयर ना हो तो प्रॉपर उसके वो फ़वाद हासिल नहीं हो सकते जो हासिल होने चाहिए। एग्ज़ाम स्टार्ट हैं बच्चों के, तो अगर एक बच्चा एग्ज़ाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर ना करे, कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएगा? नहीं कर सकता। इसी तरह रमज़ान आने से पहले ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा मेंटली तौर पे। जस्ट ये खाने पीने का टाइम टेबल चेंज कर लेना, खाने पीने की रूटीन चेंज कर लेना, खाने में समोसे पकौड़े ऐड कर लेना, बाकी चीज़ें ऐड कर लेने का नाम रमज़ान नहीं है। वैसे तो जब भी रमज़ान का नाम आता है तो माइंड में यही चीज़ आती है कि वो समोसे पकौड़े और ये सारे लवाजमात वगैरह, जबकि ये चीज़ें रमज़ान नहीं। रमज़ान में हमने ख़ुद ऐड कर ली हैं। रमज़ान का तो मकसद ये था आने का कि हम खुद तक्वा अटेन करते, अल्लाह ताला के और करीब हो जाते, हम अपनी मग़फ़रत करवा लेते, अल्लाह ताला की इबादत में ख़ुद को लगा देते। तिलावत कुरान पाक है तो मैंने कितनी तिलावत करनी है, प्रॉपर एक नोट डाउन हो। नमाज़ें हैं तो पांचों नमाज़ों की आदत बनाई जाए, सुनन नवाफिल की भी साथ में आदत बनाई जाए ताकि ख़ुद को प्रिपेयर कर सकें तरावीह के लिए, पांचों नमाज़ों के लिए और दीगर इबादत। अगर पांचों नमाज़ें पढ़ते हैं तो मज़ीद बढ़ा लें, इशराक व चाश्त कर लें, तहज्जुद कर लें, अवाबीन कर लें। ये चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी और फिर आगे ज़िक्र अज़कार को स्टार्ट कर लें, अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ लें। ज़ह नसीब के रमज़ान में 1200 दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ने का मामूल बने और तिलावत कुरान है तो कम अज़ कम एक कुरान पाक तो ज़रूर पढ़ना चाहिए रमज़ान में। तो कुछ तरह की प्लानिंग बनाएँ और इस तरह की खुद जब प्लानिंग होगी, नोट डाउन होगा, टू डू लिस्ट बनेगी डे वाइज, तो फिर हम कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप में। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं और इनका हमें बहुत फ़ायदा होगा अगर इनको नोट डाउन करके इनके अकॉर्डिंगली रमज़ान गुजारने की कोशिश की जाए। और इनसे भी पहले ये चीज़ है कि ख़ुद अपने माइंड को प्रिपेयर किया जाए और ख़ुद ये जहन बनाया जाए कि रमज़ान 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 आने वाला, रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, मैंने क्या तैयारी की। ये तो हमारे माइंड में आता है कि रमज़ान आ गया तो मेरा टेलर है उसने मेरा सूट लेना नहीं है क्योंकि वो रश बहुत लग जाएगा, मेरा ईद के लिए सूट नहीं सिलाई होगा, तो ईद पे तो चल जाएगा ऐसे भी। लेकिन ज़रा सोचिए कि रमज़ान आया, चला गया, हम अपनी बख्शिश ही ना करवा सके, तो भाई काहे की ईद,
काहे की खुशियाँ, होनी चाहिए खुशियाँ, लेकिन एक चोट करने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि मेन मकसद जो था वो तो हमने हासिल ना किया, तो फिर क्या हासिल किया, फिर बदबख्ती। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, रमज़ान से पहले हो जाएं, रमज़ान आए और प्रॉपर एक इबादत का स्केड्यूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली हम अल्लाह की इबादत कर सकें। और फिर आगे जैसे तिलावत है, तिलावत के मामलात हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, और ज़हन नसीब सदक़ा व खैरात भी हो। पहले के तो लोग 6-6 महीने तक रमज़ान के इंतज़ार करते थे, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, हमारे जज्बे ख़त्म हो गया। तो अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करी कि मैं रमज़ान को कैसे गुजारूँगा, मैंने कैसे गुजारना, क्या तैयारी की, क्या कोई जहन बनाया, कोई प्रैक्टिस की, कोई अपनी इबादत को इम्प्रूव किया, वही सुस्तियाँ वही काहली। तो ऐसे तो हम वो चीज़ें नहीं अटेन करें। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। अल्लाह हाफिज़।